दोस्तों बहुत ही क्रांतिकारी वीर मेरा, आप अपनी सेल्फी के चक्कर में अपना जीवन दान न करें। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेना। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी लाइफ 942। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ महेश्वरी टेंपल, जिसे गढ़ माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और वो बहुत ही ऊपर है पहाड़ियों में। तो चलिए चलते हैं, और ये व्लॉग जो है बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। तो दोस्तों ये है मेन गेट जो महेश्वरी टेंपल को जाता है, और आप यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है, जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है पत्थर का। और वहाँ कोई रोड की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, तो वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा, वॉकिंग जाना पड़ेगा आपको। और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं अब, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों हम पहाड़ियों पे जा रहे हैं, गढ़ जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फेमस जो मंदिर है वो बनाया गया है। तो दोस्तों जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वो मंदिर है बैजनाथ से 9 किलोमीटर दूर, और आपको उतरना पड़ेगा अहजू में, जो कि स्टेशन है अहजू का, अहजू गांव, और अहजू की पहाड़ी में वो मंदिर स्थित है। बहुत बड़े बड़े रॉक हैं जो आप देख सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं भी हैं जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। तो दोस्तों आप ये जो पहाड़ी देख सकते हैं, जो पत्थरों से ही बनी है, चट्टानों से ही बनी है, बहुत बड़े बड़े रॉक जो हैं वो बनी हुई है। और मुझे नहीं पता यार ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे आए हैं, जो कि बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो आप ये देख सकते हैं आगे तक, यहाँ पे पत्थर ही है, मिट्टी नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे। तो दोस्तों इन रास्तों से चलने का मज़ा बहुत आता है, पहाड़ी जो वे हैं, और बहुत मज़ा आता है ऐसे रास्तों पे चलने का। तो आइएगा कभी, आप आइएगा, और नहीं आ सकते तो मेरे व्लॉग जो है उसको देखिएगा। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अब दिखाता रहूँगा, ताकि जो नहीं आ सकते यार वो कम से कम मैं उन तक पहुंचा तो सकता हूँ उनके मोबाइल में। तो दोस्तों हाफ वे हैं जो हम डन कर चुके हैं, और अब 500 मीटर दूर है जो टेंपल रह गया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने के लिए, और मैं आपको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो चलते हैं। ये मेरे दो दोस्त देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक है ये, बहुत ही फनी है और बहुत ही कांडी है ये। वो आप ये देख सकते हैं बैठे बैठे जैसे पति पत्नी हो। दोस्तों अब ये जो आप ऊपर छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है टोनी देवी, टोनी माता का मंदिर। तो आप ये देख सकते हैं, चलो अब छोटा सा मंदिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देखो चट्टानों के बीच ये जो मंदिर है वो बनाया है, और जहाँ से मैंने बोला था कि ये जो चट्टानें हैं ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो मंदिर है वहाँ तक चलेंगी। तो दोस्तों ये है वो टोनी देवी माता का मंदिर, और यहाँ पे लेडीजें मतलब अपनी जो चूड़ियाँ वगैरह, या जिसको बोल सकते हैं हम, कुछ भी बोल सकते हैं छड्डा भरे। तो दोस्तों आप ये पत्थरों पे कलाकारी देख सकते हैं, ये लिखा है जय माता दी, और ये विशाल एंड कम्मू। देखिए कम्मू तो यहाँ नहीं आएगी देखने, लेकिन मैं अपने फ़ोन से दिखा सकता हूँ। हेलो दोस्तों, तो हम गढ़ माता मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। तो 100 मीटर की दूरी दिखाते हैं अब आपको गढ़ माता मंदिर, और ये नेचर का पूरा मजा लेते हुए दोस्त अर्जुन ठाकुर। जाओ दोस्तों तुम भी नाचो यार, चलो दोस्तों, अच्छा वो टाइम कहाँ मिलेगा फिर। तो फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं, और आप ये देख सकते हैं टावर, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही पुराना टावर है ये, और सबसे पहले यहीं पे लगा था ये टावर, ये टीवी का टावर है दूरदर्शन। और ये जो आप मंदिर देख सकते हैं ये बहुत ऊंचाई पे है, बहुत पहाड़ी पे है, और ये पहाड़ी पे राजा महाराजा इसलिए बनाते थे क्योंकि जब कोई दूसरी सेना उन पर अटैक करती थी तो नीचे से चढ़ने के लिए ना यार टाइम लगता था, तो वे यहाँ पूरा बंदोबस्त करके, अगर आपको अगर उनको कोई नीचे कोई सेना दिख गई तो वे अटैक कर देते थे, तो इसके चक्कर में वो विजयी हो जाते थे। और आप यहाँ का व्यू जो है, मैं आपको बता रहा था ना
कि यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो वहीं से शुरू हुई हैं, और आप ये देख सकते हैं चट्टानें यहाँ तक हैं, और ये जो मंदिर है अभी चट्टानों को काट के बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ व्यू देख सकते हैं, जो बादल देख सकते हैं आप पहाड़ों को टच करते हुए, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे। तो ये जस्ट मंदिर के अंदर ही एंटर करते हुए आपको ये व्यू दिखेगा, काफ़ी मनमोहक। और आप नीचे देख सकते हैं, ये तो अभी बाहर का व्यू है, मैं अंदर जाके आपको और इससे अच्छा व्यू दिखाऊंगा टॉप पे जाके, वहाँ से विलिंग घाटी भी दिखाई देगी आपको। दोस्तों यहाँ श्रद्धालु जो है वो पहुँच चुके हैं, आप ये देख सकते हैं, और ये है महेश्वरी टेम्पल, ये बाहर का व्यू अब आपको अंदर से दिखाएंगे। और ये मेरे दोस्त, और ये अल्टीमेट व्यू या थ्रिलिंग। और काफी ऊंचाई पे ये मंदिर, ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों एक बार विजिट जो आप जरूर करिएगा यहाँ पे, और ये माता शेरावाली माता। तो चलिए दोस्तों अंदर का दर्शन कराते हैं अब आपको। तो दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं अब मंदिर में, और दोस्तों ये है अंदर का व्यू, ये जो दो एक बैल और एक लायन शेर, और एक शेर ये भी है हमारा शेरू, ये शेरू है। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। और ये यहाँ पे रहने के लिए जो दूसरी स्टोरी है वो बनी है, काफ़ी जो श्रद्धालु है यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो टावर, और दूरदर्शन, और दोस्तों व्यू तो यहाँ से है यार, HD व्यू ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप पहाड़ों का नज़ारा तो यार, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो चुकी है यहाँ पे, अब एक डेढ़ महीने के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगी, पहाड़ बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, तो गाइस ज़रूर आइएगा यहाँ पे, इंजॉय करिएगा अपनी लाइफ को यहाँ पे आके दोस्तों, ट्रिमेंडस। एवरीवन हैज शॉक्ड कि यार मतलब अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे। ये फुल व्यू यहाँ का, और ये हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर हम पे कृपया बनाए रखें। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको जो टेंपल है वो मैंने दिखा दिया है, और जो बाहर का व्यू है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं सभी जो श्रद्धालु हैं जो आने वाले हैं उनको ये बता दूं कि यार यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करिए, और आपको बहुत ही इंजॉय मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही शांति मिलेगी यहाँ पे आके, और ये बहुत शांत प्लेस पे जो मंदिर है वो स्थित है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी टू सी दिस टेंपल, और
बहुत सारे श्रद्धालु है वो यहाँ पे विजिट करते हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि मस्ट कम। हर छत पे चढ़ के पतंग उड़ा के राजी, ना पूछो ये दिल है मुंशी मैजिस्ट्रेट काजी, दिल ही तो है।